रुके रुके से शहर, डरे डरे से लोग, पर क्या हवा डरी है चलने से, क्या पानी डरा है बहने से, क्या पंछी डरे हैं घोंसला बनाने से, तो हम क्यों डरें हौसला आजमाने से। परिस्थितियां हमारे रास्ते बदल सकती हैं, पर मंजिल नहीं। इसलिए हेमा फाउंडेशन ने 48 जीवन मूल्यों पर आधारित लघु फिल्मों को लेकर एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसमें से इस वर्ष 9 जीवन मूल्य हम ई प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लॉन्चिंग ऑन ई प्लेटफॉर्म 9 फिल्म्स बेस्ड ऑन 9 मॉरल वैल्यूज विद लॉट्स ऑफ इमोशन एंड नॉलेज। Fearless. It's not about being fearless, it's about acting in spite of fear. Yani, ye nidar hone ke bare mein nahi, balki dar ke bawajood aapke dwara kiye gaye aapke sahasi karyon ke bare mein hai. Jaise corona kaal mein corona ka bhay hote hue bhi hamare police karmi, doctors, medical staff aadi ne bakhoobi apni zimmedari nibhai hai. Kathin samay mein अपनी शक्ति और बुद्धि का सही इस्तेमाल ही आपको फियरलेस बनाता है। परिस्थिति को पहले देखोगे, समझोगे, फिर रिएक्ट करोगे तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। आज तुम्हारी बर्थडे क्या? ये कैंडल लेके क्यों घूम रही हो? अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। एटीट्यूड। We learn more by looking for the answer to a question and not finding it than we do from learning the answer itself. हमारे सवालों के जवाब ही हमें धीरे-धीरे एक अच्छा जानकार बना देते हैं, और जिन सवालों के जवाब हमें दूसरों से नहीं मिलते, अक्सर उन्हें हम खुद ढूंढते हैं। और हमारी ये आदत ही हमें उन महान लोगों के मार्ग पर लाकर खड़ा करती है, जिन्होंने इस पूरे विश्व के न जाने कितने रहस्यों से पर्दा हटाया है। इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज, यानी ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। मम्मी, ये अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? ये राशिफल सब सही होता है? मुंबई के सभी एरियाज में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? आप रोजाना हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? बॉल अगर यहाँ लगी तो सीख जाता है, ऐसा क्यों सर? पहले तुम क्लासरूम में ही क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते थे, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। नेचर्स लव, सो अ प्लांट एंड डेडिकेटेड टू योर लव्ड वंस, नेचर विल ब्लेस यू। मेरे एक अकेले के पौधे लगाने से क्या होगा, बस यही सोचकर हम सब अपने देश और अपनी प्रकृति को बर्बाद होता देखते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले बंजर जमीन पर जंगल बसा रहे हैं और गांवों को हरा भरा बनाकर प्रकृति को फिर से सुंदर बना रहे हैं। अगर हम सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और इस बारिश के मौसम में एक भारतीय एक पौधा भी लगाए, तो एक ही दिन में 133 करोड़ पौधे लग जाएंगे। हमारी ये छोटी सी पहल हमारे आने वाले कल को सुखद बना देगी। लेना लेना और सिर्फ लेना, प्रकृति से बस लेते रहना, माँ है हमारी, मना नहीं करेगी, पर कभी तो सीखें कुछ वापस देना। आओ मिलकर प्रण लेते हैं, माँ को फिर से सजाएंगे, हरी भरी और सुंदर धरती माँ को हम लौटाएंगे, माँ को हम लौटाएंगे। बच्चों 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 बच्चों, बेटा ऐसा मत करो, ये पेड़ पौधे नहीं हमारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे और हमारे दोस्त? ये हमारी मैडम है, तुम्हारी आंटी, ये भी हमें छोड़कर चले, लेकिन हमने इन्हें नहीं छोड़ा, 7 जन्मों का वादा था, अब ऐसे कैसे छोड़ देते? कॉन्फिडेंस।
Experience tells you what to do. Confidence allows you to do it. जिसका आत्मविश्वास कमजोर है, वो अवसरों से घिरे होने के बाद भी असफल हो जाता है, और जिसे अपने ऊपर विश्वास है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अवसर ढूंढ निकालता है। क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी तलवार है जो आपके नेत्य होने के बाद भी आपके साथ होती है और आपको हर हाल में जीत दिलाती है। न कोई आपसे इसे छीन सकता है, न चुरा सकता है। मेहनत लगती है तब जाकर मुकाम बनते हैं, घर बैठे बैठे कहां किसी के काम बनते हैं। वो दौड़े हैं हर गली नुक्कड़ शहर में, ऐसे ही थोड़े ना किसी के नाम बनते हैं। अरे कम से कम अपना नाम तो बताओ। तगड़ू। एक बात बता, तेरे नाम का मतलब क्या है? पापा, आपने मेरा नाम तगड़ू क्यों रखा? कोई और नाम नहीं मिला था आपको? मैम, मुझे अपना नाम बदलना है। भाई वाकई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। सचिन, सचिन तेंदुलकर। हाँ ये सही है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन दगड़ू, क्या बड़ा नाम रखने से तुम बड़े बन जाओगे? मतलब कि तुम धीरू को जानते हो? नहीं। और धीरू भाई अंबानी को? हाँ। अच्छा, तुम धीरू को नहीं जानते लेकिन धीरू भाई अंबानी को जानते हो। दगड़ू, कोई भी नाम महान नहीं होता, महान होता है उस इंसान के काम से। Hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. दो अक्षरों का एक ऐसा शब्द जिसके बिना ना वैज्ञानिक खोज करेंगे, ना किसान खेती, ना कोई बिजनेस करेगा, ना कोई जॉब। वो प्यारा सा शब्द हमें थकने के बाद भी चलाता है, जिंदगी में जीने का मकसद दे जाता है। दोस्तों, वो दो अक्षरों का शब्द है आशा। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या? मेरे हाथ पर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। शायद अब मैं कभी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। फुटबॉल तो क्या, अब मैं कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। अब क्या हो रहा है? क्या होगा, बस पार्सिंग ने पार्सल चल रहा है। कभी बॉल इसके पास, कभी बॉल उसके पास। हाँ, बॉल पे पोजीशन बनाए रखना भी एक स्ट्रेटेजी होता है। वासु ने कहा था कि सामने ग्राउंड है जहाँ लोग फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन इतने दिनों से वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। कौन? मुझे उस बेड पर था। उसे तो ब्लड कैंसर था, कल रात ही उसकी डेथ हो गई थी। मैंने अनजाने में उसे क्या क्या कह दिया। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया सत्य, बल्कि तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए एक आशाओं का खेल रचा। तुम कहीं हार कर लड़ना ना छोड़ दो, इसलिए उसने तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहते थे। Cleanliness is the mirror that reflects your personality. Keep it bright at all times. स्वच्छता से सभ्यता, सभ्यता से सम्मान। जो खुद ना रह सके स्वच्छ, वो काहे का इंसान। क्या देश में सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। दिवाली पर हम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, जो कि हमारी परंपरा है। हम घर तो साफ कर लेते हैं, पर अपने गली मोहल्ले और सोसाइटी को गंदा कर देते हैं। आओ इस दिवाली एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने घर के साथ साथ गली मोहल्ले और नगर को भी स्वच्छ बनाएं। भाई बहनों, क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता?
अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? Cultural values. Culture is not an initiative. Culture is an enabler of all initiatives. भारत ऋषि मुनियों और तपस्वियों का देश है। यहाँ की संस्कृति एक विज्ञानमय संस्कृति है। ऋषि मुनियों ने प्रकृति में छुपे विज्ञान को संस्कृति के रूप में हमें सौंपा है। हमारा खाना पीना, स्नान, ध्यान, पूजा, अर्चना सभी विज्ञानमय है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं मन प्रसन्न रहे। फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो उसका इलाज हमें हमारे घर की रसोई में ही मिल जाता है। मंदिर की घंटी से लेकर प्रसाद में तुलसी के पत्ते तक इसी विज्ञानमय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति एक विज्ञानमय संस्कृति है। इसके रीति रिवाजों में विज्ञान छुपा है। विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके इसे जाना, समझा और अब तो उपयोग में लाना भी शुरू कर दिया है। मैं आपको भारतीय संस्कृति को मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसे जानने के लिए कह रहा हूँ। पहले उसे जानो, फिर मानो। Kindness. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. हम जब किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो देखने में तो लगता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती। आप जो मदद आज किसी की करते हैं, प्रकृति उसका कई गुना करके आपको वापस लौटाती है। किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करके देखिए, आपको एक अंदरूनी खुशी का एहसास होगा। अगर ना हो भरोसा तो आजमा कर देखिए। पीलो, तुम्हें भूख लगी है ना? संध्या, आंखें खोलो बेटा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, आंखें खोलो। डॉक्टर रमेश, पैसों की वजह से ये ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। In a harmony, to have joy in your heart, one must know how to appreciate small things in life. कई बार हम एक ऐसी एंडलेस रेस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जिसका हमें खुद पता नहीं होता। हमें चाहने वाले लोग, हमारे मित्र, हमारा परिवार बस हमारी ये रेस खत्म होने का इंतजार करते रह जाते हैं। हम जिंदगी में हमेशा बड़े सुख की ओर भागते रहते हैं, जबकि जिंदगी का असली मजा उन छोटी छोटी खुशियों में होता है जो हमारे आसपास होती हैं, पर हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। हमें ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स के जरिए दूर बैठे लोगों के पास तो आ गए, पर जो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, उनसे दूर हो गए। इससे अच्छा तो मैं गांव में ही था। वहां कम से कम लोग आते जाते एक दूसरे को दुआ सलाम तो करते। अरे बोलो। अरे कैसे प्लेयर? बचपन में जब हमारे पिताजी हमें अठन्नी दिया करते थे तो वो हमारे लिए हजारों रुपयों से भी बढ़कर हुआ करती थी। बेटा, हमारे लिए खुशियां उसी अठन्नी की तरह हो गई है। हाँ, और इस कैसेट प्लेयर ने मुझे आज वो खुशी दी है। नेम प्लेट से सीखा हमने पौधों का भी नाम रखना। संस्कृति हमें सिखाती बड़ों का सम्मान करना। जिज्ञासा से सीखा हमने प्रश्नों से सवाल करना। परोपकार कहता है हमसे दूसरों का भी ध्यान रखना। दगड़ू जब दौड़ेगा दिल से, जीत उसी की होनी है। अभय बनकर तू बढ़े जा, भय की मृत्यु होनी है। खुशी अठन्नी की मिलती है साथ अपनों के रहने में। स्वच्छता रहती है घर में अच्छी तरह से धोने में। आशाएं जगमगा उठेंगी मन के कोने कोने में। हेम दिशा कहे जग जा बालक, क्या रखा है सोने में।